सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन महोदया, महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए। चेयरपर्सन महोदया, ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि पहला, मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए। दूसरा, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो। और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। श्री सी एन अन्ना दुरई जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन मंत्री जी। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑनर। बोले एक सेकंड जी, बोला जाए। माननीय उपसभापति महोदया, मैं माननीय नेता, मैं आप नहीं कह नहीं रहा हूं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं। देश के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जो सदन में विषय को रखा है वो पूर्ण रूपेण तथ्यों से परे है। मैं इसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। 33,000 करोड़ केवल 13-14 में बजट था और आज 1,00,000 करोड़ और 1,12,000 करोड़ हुआ है। ये हमें आईना दिखाने की कोशिश ना कोई करे। श्री सी एन अन्ना दुरई जी, मंत्री जी ने जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा,
कि 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे, लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया, इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुलवाए और मनरेगा के कर्मचारियों का पैसा उसमें जाने का काम भी हुआ है। Honorable Chairperson, ma'am, I would like to draw the attention of Honorable Minister of Rural Development and Panchayat Raj to increase the wages under MGNRDA through linkage. ये मैं पहली बार सदन में देख रहा हूँ। सभापति जी, माननीय सभापति जी, ये पहली बार देख रहे हैं कि किसी माननीय सांसद ने सवाल उठाया, कोई विषय उठाया हो और मंत्री ने उठकर जवाब दिया हो, उसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि सदन में उसी समय माननीय मंत्री जी ने अपनी बात भी रखी है। ये अपने आप में दिखाता है, कि विपक्ष केवल राजनीति करना चाहता है, जबकि उनके समय मनरेगा में भ्रष्टाचार था। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त भी किया और मजदूरी के पैसे भी बढ़ाए, बजट को बढ़ाने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑलवेज टेकिंग स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर अंडर प्रिविलेज पीपल। थैंक यू।